So students, in our previous video, we were on the internal energy and we discussed that we can measure only the change in the internal energy delta U. Now one more interesting fact regarding that is, जो आपका internal energy change आएगा, internal energy change, तो इसके regarding fact ये होता है कि it is always at constant वॉल्यूम मीन्स ड्यूरिंग द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम वॉल्यूम शुड नॉट चेंज. अगर वॉल्यूम चेंज आ रहा है तो हम उसको फिर इंटरनल एनर्जी नहीं बोल सकते, उसके लिए कुछ और टर्म है, उसको हम अब इसी वीडियो में बाद में डिस्कस करते हैं. बट फर्स्ट, अगर आप किसी सिस्टम को कुछ आपने हीट सप्लाई की, कुछ वर्क किया, जैसे हमने लास्ट वीडियो में किया था, वो क्या था फिर डेल्टा यू बना था, तो डेल्टा यू वाज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू. बट यहाँ ध्यान देना है कि वॉल्यूम जो है सिस्टम का या किसी भी सब्सटेंस का, वो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस शुड नॉट चेंज. अगर वो चेंज हो रहा है देन यू कांट से कि जो आपने मेजर किया है वो इंटरनल एनर्जी है. ठीक बात. चलो दूसरी चीज देखो, यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स में जो हम वर्क की बात करते हैं, ध्यान रखना यहाँ हम हमेशा बात करेंगे प्रेशर वॉल्यूम वर्क की. कैसे? जिससे हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि आपके पास एक पिस्टन है, ठीक है, ये पिस्टन है. आप क्या किया, अगर आपने इसके ऊपर से प्रेशर, मोर प्रेशर लगा दिया एज कम्पेयर टू गैस प्रेशर, ये नीचे हो जाएगा. अब वर्क हुआ तो वर्क पर क्या हुआ, कुछ प्रेशर कम हुआ, मतलब प्रेशर चेंज हुआ, इंक्रीज और डिक्रीज, और वॉल्यूम में भी चेंज आया. ठीक, इसीलिए जो हम थर्मोडायनेमिक्स में लेंगे वो प्रेशर वॉल्यूम वर्क लेंगे, प्रेशर वॉल्यूम वर्क. और इसे कैसे लिखेंगे, दैट शुड बी डब्ल्यू इज पी डेल्टा वी, इट इज इक्वल टू, देखो ये भी प्रेशर वॉल्यूम वर्क होता है, इसको हम लिखते हैं पी डेल्टा वी. नाउ देखो, हमें इस चीज़ का यूज़ करके ये पता बताएंगे हम कि जो इंटरनल एनर्जी है ना, इंटरनल एनर्जी, इट इज़ इक्वल टू द हीट गिवन एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम. इट इज़ इक्वल टू द हीट गिवन एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम. कैसे? देखो, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, यू इज इक्वल टू क्यू प्लस पी डेल्टा वी, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स में हम क्या लेंगे, प्रेशर वॉल्यूम वर्क. आप कुछ प्रेशर अप्लाई करोगे तो सिस्टम का वॉल्यूम कम होगा, या ये प्रेशर कम कर दोगे ऊपर वाला, ये बढ़ जाएगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा. तो चेंज किस में आएगा, वॉल्यूम में. लेकिन अभी जो हमने डिस्कस किया है, इंटरनल एनर्जी में कभी भी वॉल्यूम क्या है वो चेंज नहीं होता. इट मीन्स फॉर इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू, डेल्टा वी इज जीरो, मीन्स डेल्टा, देखो मैंने ये नहीं कहा कि वॉल्यूम जीरो हो जाएगा, वॉल्यूम कभी भी किसी चीज़ का जीरो नहीं हो सकता, लेकिन जो चेंज आएगा वॉल्यूम, मीन्स ना तो वॉल्यूम घटेगा ना बढ़ेगा, तो डेल्टा वी का मतलब चेंज आना, वो नहीं होगा, उतना ही रहेगा. तो फिर क्या लिखेंगे हम, डेल्टा यू इज इक्वल टू, क्योंकि देखो अगर ये जीरो है तो क्या हुआ, यू प्लस P इंटू जीरो, डेल्टा V जीरो आ गया, तो जीरो वैल्यू हो गई. इसका मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू द हीट गिवन एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम क्यू वी. वी का मतलब है कि वॉल्यूम यहाँ पर कॉन्स्टेंट है. तो हमने यहाँ पर ये प्रूव किया है कि इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू द हीट गिवन एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम. चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू द हीट गिवन एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम. अब देखो, इसी के रिगार्डिंग एक जो न्यूमेरिकल हमारे पास लास्ट टाइम रह गया था उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं. वो सेकंड आपका न्यूमेरिकल है, जैसे यहाँ दिया हुआ है, 2 liters ऑफ आइडियल गैस एट प्रेशर ऑफ 10 atmosphere. ये आपके पास कितना प्रेशर दिया हुआ है यहाँ पर, 10 atmosphere. 2 liters ऑफ आइडियल गैस एट अ प्रेशर ऑफ 10 atmosphere, प्रेशर इज 10 atmosphere, एक्सपेंड्स आइसोथर्मली. आइसोथर्मल क्या कंडीशन है, आइसोथर्मल कंडीशन का मतलब क्या होता है, आइसोथर्मल का मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं होगा एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर. आइसोथर्मल का मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, ये होता है.
एट 25 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब टेम्परेचर पूरी प्रोसेस में 25 डिग्री सेल्सियस रहेगा, इनटू वैक्यूम, ये बहुत एक सिग्निफिकेंट वर्ड है, इनटू वैक्यूम मीन्स उसने क्या कहा कि 2 लीटर गैस है, ये आपके पास 2 लीटर गैस है, ये लो, ठीक। ये कहता है 2 लीटर ऑफ आइडल गैस एट ए प्रेशर ऑफ 10 एटमोस्फियर, ऊपर से प्रेशर आपके पास कितना है 10 एटमोस्फियर, 2 लीटर्स ऑफ आइडल गैस एट अ प्रेशर ऑफ 10 एटमोस्फियर एक्सपेंड्स आइसोथर्मली एट 25 डिग्री सेल्सियस इनटू वैक्यूम, ओह सॉरी 10 एटमोस्फियर प्रेशर तो जो है वो गैस का है, और ये आइसोथर्मली मीन्स टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, इट इज एक्सपेंडिंग इनटू वैक्यूम अंटिल इट्स वॉल्यूम इज 10 लीटर, 2 लीटर से 10 एटमोस्फियर प्रेशर की गैस है, पहले इसका वॉल्यूम 2 लीटर था और ये एक्सपेंड हो गई, फैल गई और कितनी हो गई 10 लीटर्स। आप बताओ कि हाउ मच हीट इज एब्जॉर्ब्ड एंड हाउ मच वर्क इज डन ड्यूरिंग दिस एक्सपेंशन, कि कितना वर्क हुआ है और कितनी हीट एब्जॉर्ब हुई है, तो देखो जरा ध्यान दो यहाँ पर इसने क्या कहा है कि आपके पास ये पिस्टन या जब गैस थी 2 लीटर गैस थी, तो जब इसका प्रेशर 10 एटमोस्फियर था, 2 लीटर वॉल्यूम था, फिर ये एक्सपेंड किया, और ये एक्सपेंड किसके अगेंस्ट हुई है, स्पेस में हुई है, यहाँ पर बाहर क्या है स्पेस, वैक्यूम, कोई प्रेशर नहीं है बाहर, वैक्यूम है, तो बताओ इसने कितना वर्क किया, तो जरा ध्यान दो, जब ऊपर से कोई प्रेशर ही नहीं लग रहा है, ऊपर क्या है वैक्यूम है, तो गैस को कोई भी वर्क करना नहीं पड़ा, क्योंकि देखो मान लो मैं कहता हूँ कि चोक है, मुझे इसको ऊपर उठाना है, अब यहाँ से प्रेशर लगेगा तो मुझे कुछ काम करना पड़ रहा है, और ग्रेविटी भी जो लग रही है इसको मैं जो ग्रेविटी जीरो मान लेता हूँ, बस यहाँ से लग रहा है, ये लो अब ग्रेविटी नहीं है और ऊपर से भी कोई प्रेशर नहीं है, तो चोक को अगर ऊपर उठाया जाए तो कोई वर्क नहीं हुआ, क्योंकि अब ऊपर स्पेस है, वैक्यूम है, यहाँ पर ऊपर से कोई प्रेशर नहीं लग रहा है, अगर गैस आपकी एक्सपेंड हुई तो यहाँ वर्क कितना हुआ 0। दूसरी चीज़ कहा कितनी हीट एब्जॉर्ब हुई, तो देखो आपकी जो ये न्यूमेरिकल में जो हो रहा है, इट दिस रिएक्शन इज अकरिंग एट ए कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, जब टेम्परेचर ही चेंज नहीं हुआ तो उसको हीट नहीं मिली, ना उसने हीट रिलीज़ किया, टेम्परेचर वही का वही रहा, तो हीट चेंज भी 0 आया है, इसका मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी 0 जाएगी, कोई चेंज नहीं आएगा इंटरनल एनर्जी में, क्योंकि ना तो वर्क हुआ है और ना ही हीट रिलीज हुई है, ना ही एब्जॉर्ब हुई है, ठीक। अब ये तो हमारे पास इंटरनल एनर्जी वाला कंसेप्ट हो गया, अब मान लो जो हमने भी डिस्क पहले कहा था कि बाद में बताऊंगा मैं आपको, मान लो आपकी सिस्टम की कुछ हीट और एनर्जी चेंज होती है, उस पर कुछ वर्क किया और कुछ एनर्जी चेंज हुई, और उस एनर्जी चेंज की प्रोसेस में आपका कुछ वॉल्यूम इंक्रीज हो जाए उस सब्सटेंस का, जिस सब्सटेंस या जिस आप सिस्टम को ऑब्जर्व कर रहे हो उसका कुछ वॉल्यूम इंक्रीज हो जाए, तो हम उसको इंटरनल एनर्जी नहीं बोल सकते, ये पता है हमें, तो जरा ध्यान देना, अब अगर आपका इंटरनल एनर्जी क्या था डेल्टा यू, और डेल्टा यू में क्या चेंज था, डेल्टा वी जो था वो क्या था 0, लेकिन अगर डेल्टा वी हो मीन्स चेंज इन वॉल्यूम हो जाए, तो हम उसको इंटरनल एनर्जी नहीं बोलते, एक्चुअल में फिर हम उसको बोलते हैं एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी, ये फ़र्क है एनर्जी चेंज का, अगर एनर्जी चेंज आपकी कांस्टेंट वॉल्यूम पर हो रही है तो उसको हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी, बट अगर वो कांस्टेंट प्रेशर पर हो रही हो, मीन्स वॉल्यूम चेंज हो जाए कोई बात नहीं, अगर वो कांस्टेंट प्रेशर पर हो रही है उसको हम बोलते हैं एंथैल्पी। सो व्हाट इज एंथैल्पी, एंथैल्पी इज द चेंज इन हीट ऑफ ए सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक बात आ गई। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा एच, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, अब पी डेल्टा वी की वैल्यू आएगी क्योंकि वॉल्यूम चेंज हो रहा है, और ये कंप्लीट फॉर्मूला है आपके चेंज इन एंथैल्पी को कैलकुलेट करने का, ठीक। अब देखो इसको हम आगे मॉडिफाई भी कर सकते हैं, क्योंकि अब जो करेंगे न्यूमेरिकल उसमें कोई ज़रूरी नहीं कि आपको पी डेल्टा वी दिया हो, तो कैसे चेंज कर सकते हैं, देखो आपने अभी लास्ट टू लास्ट चैप्टर जो किया था स्टेट्स ऑफ मैटर का, उसमें क्या था
मैं इसको चलो यहाँ पे कर लेता हूँ, इससे थोड़ा अलग, या फिर चलो इधर कर लेते हैं थोड़ा। आपने किया था पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ठीक है, ये लास्ट वाला चैप्टर में किया था हमने पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। अब अगर आप इसको पी डेल्टा वी लिखोगे तो यहाँ क्या लिखोगे, देखो मेरी बात सुनो, अब प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है, प्रेशर उतने का उतना ही है और वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, तो वो किसकी वजह से आएगा, ओनली नंबर ऑफ पार्टिकल में चेंज आने की वजह से ही आएगा, क्योंकि देखो ये गैस है आपके पास, इस पर कुछ प्रेशर लग रहा है, इसका कुछ प्रेशर है, ठीक। अब आपको अगर इसका वॉल्यूम बढ़ाना है, मीन्स वॉल्यूम में चेंज करना है, मीन्स अगर बढ़ाना है वॉल्यूम तो इसके नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ाने पड़ेंगे, इसका वॉल्यूम कम करना है नंबर ऑफ पार्टिकल कम करने पड़ेंगे, आप प्रेशर अप्लाई नहीं कर सकते, ऑल्दो पता है हमें आप गैस प्रेशर लगाओगे वॉल्यूम कम हो जाएगा, लेकिन एंथैल्पी क्या है, एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, आप प्रेशर को बिल्कुल भी टच नहीं करोगे, प्रेशर वही रहेगा। तो अब एक ही तरीका है जिससे आप वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ाओ, मीन्स गैस को बढ़ा दो, गैस ज्यादा हो जाएगी तो वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा, गैस कम होएगी वॉल्यूम कम हो जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल कम होएंगे, ठीक। तो PV इज इक्वल टू डेल्टा एन आर टी, और इसको हम डेल्टा एन जी लिखते हैं, जी का मतलब गैस, तो PV P डेल्टा V को हम डेल्टा एन जी आर टी भी लिख सकते हैं, दैट्स व्हाई इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिखते हैं, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा एन जी आर टी। और देखो ये R गैस कांस्टेंट है, ये हम कर चुके हैं स्टेट्स ऑफ मैटर में, और R की वैल्यू अगर हम जूल में लें तो 8.314 होती है एटमॉस्फेयर, और बार में हम कर चुके थे, यहाँ पर क्योंकि आपके पास वर्क डन आएगा, एनर्जी आएगी, जूल में बात चलेगी, तो यहाँ पर जूल में R की वैल्यू 8.314 रहने वाली है, ठीक। अब देखो यहां पे मैं थोड़ा सा और किस सिस्टम ले लेता हूं, बहुत सारे ऐसी हमारी प्रोसेसेस हैं या कंडीशंस हैं जहां पर इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी दोनों एक जैसे हो जाते हैं, मीन्स हम अगर उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी निकालें या एंथैल्पी निकालें दोनों की वैल्यू सेम ही आएगी। अब वो कब आएगी, देखो जरा ध्यान दो, डेल्टा एच ये एंथैल्पी है, डेल्टा यू क्या है इंटरनल एनर्जी, ये एक्स्ट्रा है या फिर ये एक्स्ट्रा है, पहले इसको चलो यहाँ से समझना आपके लिए आसान रहेगा, दोनों ही वैसे यहाँ काम आ जाएंगे बट ये पहले समझना आसान रहेगा। देखो अगर मैं इसको लेता हूँ पहले, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, अब अगर मैं डेल्टा वी की वैल्यू को जीरो मान लूँ, चेंज इन वॉल्यूम जीरो मान लूँ, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू, और ये वॉल्यूम चेंज कब नहीं आएगा, देखो अब बड़ी आसान से चीज़ें हो जाएंगी, आपकी इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी दोनों ही इनकी वैल्यू एक जैसी आएगी अगर आपकी प्रोसेस कैसी हो रही हो, अगर वो है इन केस ऑफ सॉलिड, क्योंकि सॉलिड के केस में वॉल्यूम चेंज नहीं होता, अगर यही प्रोसेस हो रही है लिक्विड के फॉर्म में भी तो भी आपकी डेल्टा वी जीरो आएगी। तो सॉलिड और लिक्विड के केस में चाहे आप निकाल लो इंटरनल एनर्जी या एंथैल्पी वो सेम होगा। ऐसे ही अगर कोई गैस क्लोज वेसल में हो, गैस वेसल में है, तब भी इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी चेंज दोनों की वैल्यू सेम आएगी, क्योंकि वेसल तो क्लोज है, उसका वॉल्यूम फिक्स है, तो डेल्टा वी क्या आ गया, जीरो, ठीक। और आप इस वाले फॉर्मूले को अगर हम यूज करें तो अब देखो, डेल्टा एच प्लस डेल्टा यू, सॉरी डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। अब सुनो यहाँ पर इस केस में भी कैसे आपके पास डेल्टा एच और डेल्टा यू इक्वल आ सकते हैं, देखो ये डेल्टा एन हम कैसे निकाल लेंगे बताता हूँ मैं आपको। फॉर एग्जांपल जैसे रिएक्शन है हमारे पास, रिएक्शन मैं लेता हूँ ये वाली जो आपने कई बार की होगी, एन टू प्लस एच टू इज इक्वल टू टू एन एच थ्री, और इसको हम कर देंगे यहाँ थ्री। अब इस रिएक्शन में जो गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस है,
डेल्टा एन कैसे निकलेगा? डेल्टा एन निकलता है नंबर ऑफ गैस पार्टिकल्स ऑफ प्रोडक्ट, वो कितने हैं यहाँ पर 2, तो डेल्टा एन निकलेगा नंबर ऑफ गैस ऑफ प्रोडक्ट 2 माइनस कितने हैं, देखो 3 ये है, 1 ये 4, -4, तो वैल्यू डेल्टा एन कितनी आ गई, -2। तो इस तरीके से हम डेल्टा एन निकालते हैं, ये प्लस भी हो सकता है और ये माइनस भी, लेकिन एक ऐसी कंडीशन हो जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड पर ही नंबर ऑफ मोल में फ़र्क ना रहा हो, जितने गैस के पार्टिकल प्रोडक्ट में हैं उतने ही बन जाए रिएक्टेंट में, तो वहाँ डेल्टा एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। उस केस में भी डेल्टा एच और डेल्टा यू बराबर हो जाएंगे, ठीक है। और मैं इसके रिगार्डिंग यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन है जो आपको दिया होगा रिगार्डिंग द कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा एन जी आर टी से, वो उसको सोल्व कर देता हूँ, उसके बाद बाकी देखो, एक ही क्वेश्चन है वैसे और ये ही दिया हुआ है आपको एन सी आर टी में, तो इसको मैं यहाँ पर सोल्व कर देता हूँ, ठीक। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, एक रिएक्शन दी हुई, पहले देखो आप रिएक्शन ही दी हुई है, रिएक्शन ये दी हुई है NH2CN और इसको लिखा हुआ है सॉलिड, दिया हुआ रिएक्शन आपको पेपर एग्जाम में ही, 3/2 O2 ये गैस के दिए हुए हैं पार्टिकल्स, इज इक्वल टू यहाँ पर N2 प्रोड्यूस होगा और N2 गैस ही होती है, ठीक, प्लस CO2 प्रोड्यूस हुई, CO2 भी गैस ही होगी, प्लस H2O जो दिया हुआ है ये लिक्विड दिया हुआ है, ठीक है, ये रिएक्शन दी हुई है। अब सुनो क्वेश्चन क्या है, द रिएक्शन ऑफ साइनेमाइड, ये साइनेमाइड आ गया, द रिएक्शन ऑफ साइनेमाइड विद डाइऑक्सीजन वाज कैरिड आउट इन ए कैलोरीमीटर एंड डेल्टा यू वाज, और डेल्टा यू मिल गया उसने कहा डेल्टा यू वाज, एंड डेल्टा यू वाज फाउंड टू बी -472.7 जूल किलो जूल, -242.7 किलो जूल पर मोल एट 298 केल्विन, तो टेम्परेचर दिया हुआ है 298 केल्विन। कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन एट 298 केल्विन, मीन्स इसी टेम्परेचर पे, यानी टेम्परेचर चलो देख जो भी है। अब सुनो आपको निकालना क्या है यहाँ पर, चेंज इन एंथैल्पी। अब देखो भाई चेंज इन एंथैल्पी कैसे निकलेगी, अब देखो फॉर्मूला तो ये था हमारे पास चेंज इन एंथैल्पी का, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, लेकिन जरा ध्यान देना इस रिएक्शन में कहीं पर भी प्रेशर और वॉल्यूम को डिस्कस नहीं किया गया, यानी कि हम इसको नहीं, ये वाला जो फॉर्मूला है डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी को यूज करेंगे, तो कैसे होगा देखो भाई, डेल्टा एच इज इक्वल डेल्टा यू दिया हुआ है -472.7 प्लस, अब देखो यहां पर आपको पहले डेल्टा एन निकालना पड़ेगा, गैस के नंबर ऑफ पार्टिकल्स वो कैसे निकलते हैं, नंबर ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ रिएक्टेंट। अब देखो ये सॉलिड है इसे हम काउंट नहीं करेंगे, इधर से ये लिक्विड है इसे भी काउंट नहीं करेंगे, तो गैस के कितने पार्टिकल हो गए 2, तो 2 और ये 3/2 का मतलब क्या होता है 1.5, यानी कि प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स 2 हैं, रिएक्टेंट के 1.5 हैं, तो कितनी वैल्यू डेल्टा एन की आई 0.5, तो इसकी वैल्यू आ गई 0.5, प्रोडक्ट 2 माइनस 1.5 तो 0.5 डेल्टा एन की वैल्यू, इंटू आर की वैल्यू क्या है 8.314, लेकिन जरा ध्यान देना आप 8.314 जो है वो जूल में होती है और यहाँ पर आपको दिया हुआ है किलो जूल, ये ज़्यादा चीज़ें बहुत छोटी होती हैं ध्यान रखनी है, तो किलो जूल बनाने के लिए इसको आप मल्टीप्लाई कर दो -3 से, या नीचे कर देते इस तरीके से 10^-3 से इनटू टी, वो कितना है 298, और जिसको आप सोल्व करोगे तो डेल्टा एच की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो आज हमने यहाँ पर चेंज इन एंथैल्पी और एंथैल्पी का जो फिनोमिना है उसको भी यहाँ पर डिस्कस कर लिया है, ओके, थैंक यू।